morning, students. Welcome in our online English class. Today we are going to start exercise of our new chapter, that is the balloon man. In our last classes we have already read and explaining this poem. This poem is dependent on the balloon man. इसमें एक बलून मैन रहता है, वो क्या करता है, अपने सारे कलरफुल बलून्स को लेकर के एक मार्केट स्क्वायर में खड़ा रहता है ना, जिसे बच्चे देख करके बहुत अट्रैक्ट हुआ करते हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता है देख करके, वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। तो बच्चों का ये कहना है कि एक बलून मैन है जो कि हमेशा एक स्क्वायर में खड़ा रहता है अपने कलरफुल बलून्स को लेकर के, और वो हमेशा ऐसा खड़ा रहता है जैसे उसे भूख प्यास तो बिल्कुल लगती ही नहीं है, किसी खाने के लिए कोई चिंता ही नहीं रहती है, और उसके बलून जो रहते हैं वो इतने कलरफुल रहते हैं कि देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि एक दिन क्या करे वो बलून मैन अपने सारे बलून्स को टाइटली बांध करके और उसे ऐसा आकाश में छोड़ दे, और जो बलून्स हैं वो हाई एंड हाई क्या करता जाए, उड़ता जाए, और हम उसे नीचे से खड़े होकर के उसे उड़ते हुए आकाश में देखे, जो हमें देखने में क्या लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। तो ये इस टाइप की थी हमारी पोयम। आज हम इसके करेंगे न्यू वर्ड्स और साथ में क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्टली वी विल सी द न्यू वर्ड्स। व्हाट इज द फर्स्ट न्यू वर्ड, दैट इज बंच। बंच का मतलब होता है क्या, गुच्छा, है ना। बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा। अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड केप्ट टुगेदर। एक ही प्रकार के बहुत सारे चीज जिनको आप एक साथ रखे हो, जो कि एक साथ कहीं पर इकट्ठे रखे हुए हो, दैट इज कॉल्ड बंच। सेकेंड इज स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है चौकोर या फिर चार भुजाओं वाली आकृति, जो कि क्या हो, चारों तरफ से जिसका जो साइड हो वो क्या होता है, सेम होता है। जितनी ही उसकी लंबाई होगी उतनी उसकी चौड़ाई होगी, उतनी उसकी ऊंचाई होगी, एवरीथिंग इज सेम। और इसे अगर हम अपने पोएम वाले लैंग्वेज में अगर हम समझे देखा जाए, तो हमारे जो पोएम है, जो हमारे स्क्वायर की जो मीनिंग थी वो क्या था, वो जिसे हम चौराहा कहते हैं, जिसमें चार तरफ से रास्ते निकले होते हैं, दैट इज कॉल्ड हियर स्क्वायर। तो अ फोर साइडेड एरिया सराउंडेड बाई बिल्डिंग। नाउ सनी। सनी का मतलब होता है दोपहर का समय, जब सूर्योदय हो जाता है, जब सूर्य निकल जाता है और चारों तरफ हमको सूरज की किरणें दिखाई देती हैं, उसकी रोशनी चारों तरफ खूब ज्यादा फैली हुई होती है, उसे हम कहते हैं क्या, सनी, दोपहर का समय। सो ब्राइट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट मतलब बहुत चमकीला वाला सूर्य की प्रकाश। फिर तब। तब का मतलब होता है क्या, बांधना किसी भी एक तरह की चीजों को या डिफरेंट तरह की चीजों को जो हम एक साथ बांध देते हैं वो कहलाता है कि हमारा तब। पुल हार मतलब उसे टाइटली अच्छे से बांधना, पुल हार। ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। बलून मैन कहाँ पर खड़ा था, तो हमने देखा था इसमें पोयम में क्या, द बलून मैन स्टूड इन द मार्केट स्क्वायर, मार्केट स्क्वायर में खड़ा था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द बलून्स व्हेन देयर इज अ विंड। क्या होता है जब बलून, जब हवा चलने लग जाती है बहुत तेज, तो बलून के साथ में क्या होता है, तो क्या होगा, बलून क्या होगा, जाएंगे आकाश में ऊंचे और हाईली उड़ने लग जाएंगे। तो द बलून स्टार्ट टगिंग व्हेन देयर इज अ विंड, मतलब क्योंकि वो एक साथ बंधी हुई रहती है और वो एक साथ क्या होने लग जाती है, खींचने लग जाती है ऊपर की तरफ, उड़ने के लिए वो खींचने लग जाती है। फिर क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू। जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं कि बलून मैन उस बलून के साथ में क्या करें, क्या चाहते हैं, तो आंसर इज द चाइल्ड वुड लाइक बलून मैन टू लेट द बलून्स गो सेल।
क्या हो जाए, हाई में उठते चले जाए और हम उसे नीचे से खड़े होकर के देखें, और ऐसा देखना हमें बहुत अच्छा लगेगा। सो स्टूडेंट, दिस इज द टुडेज क्लास। ऑल ऑफ यू नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन एंड न्यू वर्ड्स इन योर कॉपी एंड सेंड मी फॉर चेकिंग। एंड ऑल्सो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू लर्न टू ऑल द चैप्टर्स बिकॉज योर मिड टर्म एग्जाम इज कमिंग। सो ऑल ऑफ यू लर्न टू ऑल दिस चैप्टर्स ऑल्सो एंड सेंड मी योर कॉपी। सो टिल देन, थैंक यू।